एक वक्त था जब वीना मलिक भारत में रहकर भारत की तारीफों के पुल बांधने से नहीं थकती थी और भारत की खासियत गिनाने से पीछे नहीं हटती थी। वही वीना मलिक आज पाकिस्तानी न्यूज़ एंकर बनकर भारत को बुरा भला कह रही हैं। बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट पार्ट ले चुकी वीना मलिक पाक के एक न्यूज़ चैनल पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात पर तिलमिलाई हुई लग रही हैं। और अब जरा ज़मीन पर बसने वाले दो शैतान ममालिक की बात भी कर लें, जिनका हदफ, जिनका मकसद, जिनका मिशन और जिनका विजन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की तबाही है। दोनों ममालिक ही मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ भारत और इसराइल की। मिजाजन दो, ये जो दो ममालिक हैं, फितरतन ये दोनों एक ही हैं। भारत ने कश्मीर में बेगुनाह, मासूम, मजलूम, निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रखी है और इसराइल ने फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ कुछ ऐसा चलन जो है वो अपनाया हुआ है। इसराइल और भारत के सफारती ताल्लुकात काफ़ी मुस्तहकम होते जा रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा कर रहे हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि सपोला जो है वो सांप से मिलने जा रहा है। मोदी अपने बड़े अबू यानी इसराइली वज़ीर आज़म से मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत के पहले वज़ीर आज़म हैं, आपको बताएं, जो इसराइल का दौरा कर रहे हैं। कहा तो यही जा रहा है कि ये दौरा भारत और इसराइल के सफारती ताल्लुकात के फ़रोग में इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा, मगर हकीकतन यहाँ सफारती से ज्यादा, तालुकात से ज्यादा जो है वो दिफाई मकासिद यहाँ पर नजर आते। वीना ने इस वीडियो में मोदी को सपोला और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को साफ बोला है। वीना मलिक वीडियो में कह रही है कि ये दोनों ही देश मुसलमानों की बर्बादी के लिए एक हो रहे हैं। भारत और इजरायली को फितरत से शैतान और मुसलमानों के खून का प्यासा बता रही हैं। वो कह रही हैं, जहां भारत ने कश्मीर में मासूम, बेगुनाह, निहत्ते कश्मीरियों पर जुर्म और हिंसा की हदें पार कर दी हैं, वहीं इजरायली भी फिलिस्तीनी आवाम के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा है। वीना की बातों से साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के मिलने से कितनी दिक्कत हो रही है और वो इन दोनों के मिलने का विरोध पूरे तरीके से कर रही है।